स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत की जनता ने देश की बागडोर एक ऐसे अदम्य, प्रखर और ओजस्वी व्यक्तित्व के हाथों में सौंपी जो लगातार 17 वर्षों तक देश का कुशल और अद्वितीय नेतृत्व करता रहा। विश्व के इस विशालतम लोकतंत्र में उसकी लोकप्रियता का पारावार नहीं था। पंडित नेहरू के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विस्मित होकर सारी दुनिया यही सोचती थी कि नेहरू के बाद ऐसा कौन है जो उनकी जगह ले सकेगा। और सचमुच नेहरू जी के देहावसान के बाद सारे संसार का ध्यान उनके भावी उत्तराधिकारी की ओर केंद्रित हो गया। उस समय जब सारा देश गहन वेदना के सागर में डूबा हुआ था, तब कुछ लोग उत्तराधिकारी के बारे में सचमुच चिंतित थे और कुछ अटकलें लगा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हिंदुस्तान की इस हालत पर हंस रहे थे। उनका ख्याल था कि नेहरू के उत्तराधिकारी का प्रश्न शांति से हल नहीं हो सकेगा, और तब इस विकट परिस्थिति में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए मानव नियति ने ही तमिलनाडु के एक सीधे सरल इंसान को चुना। ये थे श्री कामराज। श्री लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी चुने जाने में श्री कामराज नाडार ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। समस्त विश्व में भारतीय प्रजातंत्र की परिपक्वता का सिक्का जम गया और इसका एकमात्र श्रेय श्री कामराज को है। लेकिन उनकी जन्मस्थली तमिलनाडु तो उनकी इस विलक्षण योग्यता को वर्षों से जानती थी। तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में एक तपता हुआ दिन मंदिर का एक हाथी बेकाबू होकर अचानक भाग निकला। उसके महावत का कहीं पता न था। कठिन परिस्थिति में अपने साहस के बल पर 14 वर्ष के एक किशोर ने उस पर नियंत्रण कर लिया। ये वीर लड़का था कामराज। श्री कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 में विरुद्ध नगर के एक नारियल विक्रेता परिवार में हुआ था। उनके पिता थे कुमार स्वामी और माता शिवकामी। विरुद्ध नगर एक इतनी पुरानी जगह थी जहां ऐसा लगता था मानो वक्त ठहर कर रह गया है। कामराज का जन्म मिट्टी के कच्चे मकान में हुआ था। इसी पैतृक मकान का पुनर्निर्माण कर अब इसे कामराज मेमोरियल बनाया गया है। श्री कामराज का परिवार एक बेहद पिछड़े हुए समुदाय का था। पहली बार पारिवारिक परंपरा तोड़कर बालक कामराज को स्कूल भेजा गया, लेकिन जब 12 वर्ष की उम्र में कामराज के पिता का निधन हो गया तो परिवार की कमजोर आर्थिक दशा के कारण वे 6वीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी न रख सके। कपड़े की एक दुकान में काम करते हुए कामराज ने अपने आप को स्वयं ही शिक्षित करने का एक चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाया। देश के स्वाधीनता संग्राम में उनकी रुचि बढ़ने लगी। हरिजनों के मंदिर प्रवेश का पहला बड़ा सत्याग्रह वैकुंठ मंदिर में छेड़ा गया। दलित
और उपेक्षित हरिजनों के हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ने वाले साहसी स्वयंसेवकों में से एक थे किशोर कामराज। एक नई दिशा की ओर यह उनका पहला कदम था और फिर ये कदम लगातार आगे ही बढ़ता रहा, आगे ही बढ़ता रहा। कामराज के इन दो साथियों को आज भी याद है, खेलने कूदने की उस उम्र में मंदिर के तालाब के किनारे एक सूने से कोने में साथियों का जमघट रहता था और अपने तरुण नेता के इर्द गिर्द वो घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे महात्मा गांधी की बातें और उस रोमांचक सपनों की बातें जिसका नाम था आजादी। कामराज ने गांधीवादी विचारों को पूरी तरह अपना लिया। सन 1923 में कामराज ने शराब की दुकानें बंद करवाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी मां ने कानून तोड़ने वाली इन प्रवृत्तियों से उनका ध्यान बटाने के लिए उन्हें शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की, लेकिन कामराज जानते थे सुखी घर और गृहस्थी का सपना उनके लिए नहीं है और इसलिए कामराज ने तय कर लिया कि जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा तो दक्षिण में सत्याग्रहियों का जत्था राजा जी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने सागर तट की ओर बढ़ चला। गिरफ्तार होने वाले इन सत्याग्रहियों में एक थे श्री कामराज। जब 1932 में गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेसियों की रिहाई हुई तो उनके गांव में कामराज का जोरदार स्वागत किया गया। इन्हीं दिनों में कामराज ने बातचीत के अंदाज में भाषण देने का तरीका अपनाया। उनके भाषण देने का ये अंदाज जीवन भर कायम रहा। तमिलनाडु में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। एक गुट के नेता थे राजा जी और दूसरे गुट के सत्यमूर्ति। कामराज सत्यमूर्ति से प्रभावित हुए और अंत तक उनके कट्टर अनुयायी बने रहे। सन 1937 में वे सत्तूर चुनाव क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कामराज पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी। तब वे बंबई में थे जब पुलिस ने गोलीबारी की। अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बापू से मतभेद के कारण राजा जी आंदोलन से अलग हो गए थे। कामराज के लिए पूरे राज्य का दौरा करना आवश्यक हो गया। छद्मवेश में उन्होंने जगह जगह घूमकर जनता को संघर्ष का संदेश दिया। वेल्लोर के भीड़ भरे स्टेशन पर भी वे खासतौर पर उन्हीं के लिए तैनात पुलिस दल के बीच से भी साफ साफ बचकर निकल गए। तमिलनाडु के दौरे के बाद वे अपनी मां से मिलने गए। साथ ही कामराज ने पुलिस को भी ये संदेश भेज दिया कि उनका काम पूरा हो चुका है और वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर अन्य कांग्रेसियों के साथ कामराज भी रिहा हुए। स्वाधीनता के समय राजा जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ और अपने प्रमुख विरोधी राजा जी का सामना करते हुए कामराज तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहे। सन 1954 में राजा जी के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का प्रश्न उठा तो प्रधानमंत्री श्री नेहरू की सलाह पर स्वयं कामराज ने यह भार वहन किया। स्वस्थ प्रजातांत्रिक भावना का परिचय देते हुए कामराज ने इसी पद के लिए उनका मुकाबला करने वाले श्री सी सुब्रमण्यम को कैबिनेट में स्थान देकर पार्टी में एकता की भावना को बल दिया। सन 1955 में मद्रास के निकट संपन्न हुए कांग्रेस के आवरी अधिवेशन का श्रेय कामराज को जाता है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो भी सम्मिलित हुए थे। कामराज इस अवसर पर अपने राजनीतिक गुरु सत्यमूर्ति का स्मरण करना न भूले। प्रधानमंत्री श्री नेहरू कामराज की संगठन कुशलता से बेहद प्रभावित हुए। श्री कामराज 9 वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में तमिलनाडु में उद्योग, बिजली, शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में शानदार प्रगति की। आर्थिक अभाव के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने के कटु अनुभव ने उन्हें हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा के लिए प्रेरित किया। देश में इस प्रकार की योजना आरंभ करने में तमिलनाडु अग्रणी था।
वो जानते थे कि आर्थिक तंगी के कारण कितने ही माता पिता अपने बच्चों को सही खुराक तक नहीं दे पाते। कामराज ने गरीब बच्चों के लिए दोपहर के निशुल्क भोजन की योजना आरंभ की। श्री कामराज के मंत्रिपरिषद में एम भक्त वत्सलव, आर वेंकट रमन और सी सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज शामिल थे। इनके सम्मिलित प्रयासों से तमिलनाडु में एल्यूमिनियम, सीमेंट और कागज के कारखाने आरंभ हुए। औद्योगिक नगरी स्थापित करने के एक नए विचार का सूत्रपात गिंडु की औद्योगिक नगरी के उद्घाटन के साथ हुआ। राज्य में अनेक लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। तमिलनाडु के इतिहास में कामराज युग सचमुच स्वर्णिम युग बन गया। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में नेवली खदानें, विद्युत केंद्र, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स शुरू हुए। तमिलनाडु नदियों के जल का 85% भाग सिंचाई में इस्तेमाल करने वाला एकमात्र प्रदेश था। यहाँ पन बिजली उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरित करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन 1960 के आरंभ में राष्ट्रव्यापी तनाव और कांग्रेस पार्टी में एकता के अभाव से कामराज बेहद चिंतित हो उठे। कामराज ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू को सुझाव दिया कि सभी वरिष्ठ नेता सत्ता से हटकर पार्टी के संगठन में जुट जाएं। सत्ता को त्यागने की यह भावना स्वाधीनता संघर्ष के दौरान किए गए महान त्यागों की याद दिलाती थी। नेहरू जी ने कामराज योजना को स्वीकार कर लिया। श्री कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। श्री कामराज की अध्यक्षता में कांग्रेस का भुवनेश्वर अधिवेशन हुआ, जिसमें अनेकों समाजवादी प्रतिभाएं शामिल हुई। कांग्रेस में नए सिरे से एक ओजस्वी विचारधारा और कर्मठता का सूत्रपात हुआ। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों वाले नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखते हुए कामराज देश को संगठित रखने में सफल रहे। पिछड़े समुदाय के निर्धन परिवार में जन्मे कामराज का यह अद्भुत उत्कर्ष भारतीय लोकतंत्र की सफलता का द्योतक है। कामराज ने अपने सरल स्वभाव और सादी वेशभूषा को कभी नहीं छोड़ा। वे काला गांधी के नाम से लोकप्रिय बने रहे। सत्ता और राजनीति से इतने गहरा जुड़े होने के बावजूद उनका निष्कलंक जीवन सदैव ही आदर और ईर्ष्या का विषय रहा। राष्ट्र की सुरक्षा जैसे व्यस्त उत्तरदायित्व को वहन करते हुए भी वे आनंद के कुछ पल निकाल लिया करते थे। सन 1964 पंडित नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गए। दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि ताशकंद में शास्त्री जी का देहावसान हो गया। अंधेरा छा गया। नए प्रधानमंत्री के चुनाव का सवाल उठा। इस बार भी श्री कामराज ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई और उनके प्रयास से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व एवं देश के तीसरे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। सारी दुनिया कामराज के भावी उत्कर्ष के बारे में उत्सुक थी। सन 1966 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नेताओं ने उन्हें अपने देशों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया।
सोच सकता था कि ऐसा प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता अपने ही राज्य में चुनाव हार जाएगा। सन 1967 के चुनावों में कांग्रेस को तमिलनाडु में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सकुर हुई। कामराज ने अपनी पराजय हंसकर स्वीकार की और कांग्रेस जनों को सलाह दी कि वे नई सरकार की कटु आलोचना करने की बजाय उसे काम करने का समुचित मौका दें। कामराज सन 1969 और फिर सन 1971 में संसद के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन वे सत्ता से दूर ही रहे। सन 1966 में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के प्रश्न पर उनका श्रीमती गांधी से मतभेद हो गया था। ये मतभेद बढ़ता ही गया, दोनों परस्पर विरोधी बन गए, लेकिन कामराज को इस बात का कोई दुख नहीं था। सन 1967 में राजाजी ने तमिलनाडु में कांग्रेस को सत्ताहीन करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई थी। अपने अंतिम दिनों में बार कामराज और राजाजी एक दूसरे के निकट आए ताकि आपसी मतभेदों के कारण तमिलनाडु को पहुंची क्षति को पूरा किया जा सके, लेकिन ये दोनों दिग्गज अपनी लक्ष्य पूर्ति से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। दो अक्टूबर 1975 को मद्रास में अपने सादे और किराए के मकान में श्री कामराज महात्मा गांधी की 106वीं वर्षगांठ के समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे अपना अंतिम भाषण नहीं दे सके। कामराज को दिल का घातक दौरा पड़ा और भारत ने अपना महान सपूत खो दिया। स्वतंत्रता समर के महान सैनिकों की अस्तमान पीढ़ी का एक और रत्न विदा हो गया। कामराज को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में उनकी वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन आज कामराज मात्र एक नाम नहीं है, वे एक अविस्मरणीय जीवंत और सतत जागृत प्रेरणा है जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी।